पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद की वरिष्ठ समाज सेवी सुनीता गुप्ता को एक बार फिर से नंद गुप्ता नंदी के वैश्य समाज संगठन में अहम जिम्मेदारी मिली है। सुनीता गुप्ता ने बताया कि उन्हें वैश्य समाज उत्तर प्रदेश महिला संगठन की प्रदेश अध्यक्ष नम्रता चौरसिया के अनुमोदन पर और प्रदेश महामंत्री संजय केसरी की सहमति से सुनीता गुप्ता को मुरादाबाद वैश्य समाज उत्तर प्रदेश महिला संगठन का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। सुनीता गुप्ता का कहना है कि संगठन के द्वारा जो अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो उसे बखूबी निभाएंगी और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य करती रहेंगी। आपको बता दें कि मुरादाबाद की रहने वाली सुनीता गुप्ता समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार अपनी अहम भूमिका अग्रणी रूप से निभाती हैं और समाज के हित में लगातार कार्य करती रहती हैं। विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर समाज सेवा के कार्य को लगातार बखूबी अंजाम दे रही हैं। सुनीता गुप्ता समय समय पर गरीब लड़कियों की शादी, शिक्षा आदि में अपना योगदान देकर उनकी मदद करती हैं। सुनीता गुप्ता ने बताया कि संगठन के द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे तन मन धन के साथ निभाएंगी और संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगी। सुनीता गुप्ता को वैश्य समाज महिला संगठन मुरादाबाद का जिलाध्यक्ष मनोनीत होने पर वैश्य समाज में खुशी की लहर है और सभी के द्वारा उन्हें बधाइयां दी जा रही हैं। दिनों में बस ये जिम्मेदारी मुझे इसीलिए मिली है क्योंकि मैंने जब मैं महानगर अध्यक्ष थी तभी मैं अपनी जिम्मेदारी से विश्वास के साथ कार्य करती चली आ रही हूँ, क्योंकि ये सारी मेरी जितनी भी मेरी कार्य होते हैं सब नंदी भैया तक पहुँचते हैं। और यहाँ हमारे नितिन भैया जी हैं, उनका भी मेरे साथ सहयोग सपोर्ट रहता है और मुझे उम्मीद है कि वो हमेशा मेरे साथ मिलकर कार्य करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। जब एक से एक और 11 हो जाते हैं तो हमारा हर कार्य अच्छा होगा और मैं अच्छे से ही जिले में काम करूँगी। और किसको इस उपलब्धि का श्रेय देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी, इससे पहले मेरा नाम सुनीता गुप्ता है और मैं इससे पहले वैश्य समाज की महानगर अध्यक्ष 2 साल से हूँ और आज मुझे जो पोस्ट मिली है वो जिला अध्यक्ष की मिली है और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जिस दिन मेरी ये पोस्ट आई थी उस दिन मैं माता का खप्पर भर रही थी। मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैं राम मंदिर श्री राम मंदिर में खप्पर भरवाती हूँ माता रानी का, और मेरी पोस्ट उस समय आई थी। मैं इसमें यही कहूँगी कि नंदी भैया जी को और अजय केसरी भैया जी को, नम्रता चौरसिया दीदी को और मैं नितिन भैया जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, उन्हें धन्यवाद देती हूँ और ये कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस कार्य को अपने ज़िले की ऊंचाइयों को ज़िले के कार्यों को मैं बहुत अच्छी तरह से करना चाहती हूँ। मुझे अब से नहीं कम से कम 20 साल से मुझे समाज सेवा का बड़ा शौक है और मुझे गरीबों की मदद करना, गरीबों की बेटियों में दान पुण्य करना, मंदिरों में भंडारे करना और यहाँ का मंदिर तो मैं सारा ही संभालती हूँ क्योंकि यहाँ मैं कीर्तन वगैरह करना, भंडारे करना और मुझसे जितना होता है मैं करती हूँ। और मैं यही सोचती हूँ क्योंकि मेरा मेन पर्पस जो रहता है पहले भक्ति और बाद में ये सारे प्रोग्राम मैं करती हूँ। और मैं सभी मुरादाबाद ज़िले के लोग, ज़िले के वैश्य समाज पदाधिकारियों को बार बार शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग पे समझा। मैं हमेशा अपनी टीम के साथ रहूंगी, अपनी टीम को लेके चलूंगी जो भी मेरा कार्य होगा। और महिला टीम मेरी बहुत अच्छी है क्योंकि उन्होंने जब मैं महानगर अध्यक्ष थी जब भी मेरा पूर्ण साथ दिया, क्योंकि हम हर पर्व पे हर त्यौहार पर वैसे समाज का करते चले आए हैं, जो भी हमारा इवेंट्स होता है हम करते चले आए हूँ। मैं सोचती हूँ कि भोले बाबा ऐसी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं उनकी कृपा से अच्छा अच्छा सारा कार्य करूं, कभी किसी का गलत ना करूं, कभी बुरा ना सोचूं और अच्छाइयों के मार्ग पे मैं चलती रहूं।